आजकल मार्केट में कुछ ऐसे फूड आइटम्स आ गए हैं जो आपके हेल्दी और कूल दिखाने के खूब दावे करते हैं, लेकिन असल में वो आपको बीमार बनाने के सारे 16 श्रृंगार करके ही मार्केट में भेजे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही फूड आइटम्स के बारे में बताएंगे जिन्हें खाकर भले ही आपको लगता है कि आप शाहरुख जैसे कूल दिखेंगे, लेकिन अगर इन्हें ज्यादा खा लिया तो राजपाल यादव बनने में टाइम नहीं लगेगा दोस्त। नंबर 7, व्हाइट ब्रेड। आप में से कई लोग ब्रेकफास्ट की पहली बाइट व्हाइट ब्रेड से ही शुरू करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि जितनी व्हाइट ये ब्रेड दिखती है इसकी नियत में उतना ही कालापन है। दरअसल व्हाइट ब्रेड में 4 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपकी हेल्थ की लंका लगा सकते हैं। इसमें होता है मैदा, शुगर, हाइड्रोजिनेटेड घी और सॉल्ट। ये सारी चीजें मिलकर आपको बीमार बनाने के लिए काफी है। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, साथ ही हार्ट डिजीजेस और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए पहले तो इनसे दूर रहिए और दूसरे ऑप्शन की ओर चले जाइए, जैसे कि ब्राउन ब्रेड या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड। और अगर इन्हें खाने में जेब जवाब दे रही है तो व्हाइट ब्रेड को ही खाने से पहले फ्राई कर लीजिए, जिससे मैदा आपकी आंतों पर चिपक कर ना बैठ जाए। नंबर 6, सोयाबीन ऑयल। दोस्तों जैसे गर्लफ्रेंड जब तक साथ रहती है तब तक ठीक लगती है, लेकिन उससे ब्रेकअप होने के बाद वो बुरी लगने लगती है, ठीक वैसे ही सोयाबीन तो खूब फायदे की चीज है, लेकिन उससे बना सोयाबीन ऑयल किसी जहर से कम नहीं है। सोयाबीन ऑयल में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपको किसी गुप्त रोग के डॉक्टर के पास भी पहुंचा सकते हैं। दरअसल सोयाबीन ऑयल में होता है ढेर सारा ट्रांस फैट और इसमें मिलता है फाइटोएस्ट्रोजन, जो पुरुषों के लिए गुप्त रोग का कारण भी बन सकता है। यानी कि अगर आप हर रोज सोयाबीन ऑयल को ही खा खा कर खुद को हेल्दी समझ रहे हैं तो आपको संभलने की जरूरत है दोस्त। इसका असर इतना बुरा हो सकता है कि महिलाओं और बुजुर्गों को स्किन से लेकर थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसलिए इन्हें कम खाएंगे तो अपनी ही सेहत को अच्छा कर पाएंगे, नहीं तो बीमारी की लंबी लिस्ट में आपका भी गुड नेम आने में टाइम नहीं लगेगा। नंबर 5, कोल्ड ड्रिंक। डर के आगे जीत है और ये दिल मांगे मोर टाइप के डायलॉग बोलकर लोगों का सी काटने वाली कोल्ड ड्रिंक कंपनीज जिस तरह से लोगों की हेल्थ के साथ खेल रही हैं, उसके लिए इन्हें भी लंबा चौड़ा जुर्माना देना चाहिए। जिस कोल्ड ड्रिंक को आप पार्टी ड्रिंक और पानी का रिप्लेसमेंट मानकर घटाघट पी जाते हैं, वो आपके लीवर का जानी दुश्मन है। कोल्ड ड्रिंक को लगातार पीने से आपका वजन तो बढ़ता ही है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी डिस्टर्ब करता है और इंसुलिन को भी इफेक्ट करता है। यही नहीं, एक छोटी सी कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपके लिए डायबिटीज टाइप 2 को भी बुलावा देती है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक की जगह कुछ देसी ट्राई करना चाहिए, जैसे छाछ, लस्सी और ठंडाई। यकीन मानो बॉस, ये सारी चीजें ना सिर्फ आपके लीवर और बॉडी की बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगी बल्कि आपको हमारे कल्चर के पास भी ले जाएंगी। नंबर 4, दोस्तों चॉकलेट देखकर मुंह में पानी आ जाता है और ये बहुत कॉमन बात है। जिसे चॉकलेट देखकर मुंह में पानी ना आए वो आखिर इंसान किस काम का? लेकिन असल में वही इंसान काम का होता है, क्योंकि जो चॉकलेट नहीं खाता वो चॉकलेट के नुकसानों से कम दूर तो रहता है। पहले तो आपको बता दे कि चॉकलेट खाने के अपने बहुत से फायदे हैं, ये आपकी बॉडी से स्ट्रेस को रिलीज करता है, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत ज्यादा है। दरअसल मार्केट में 3 तरह की चॉकलेट है, एक वो जो बहुत कम दामों पर मिल जाती है और दूसरी वो जिनका टेस्ट लेने के लिए जेब ढीली करनी पड़ती है। नुकसान इन दोनों के ही है। आपको बता कि जो सस्ती सी चॉकलेट बाजार में बिकती है उसमें हाइड्रोजनेटेड फैट और शुगर खूब ज्यादा होती है और कोकोआ कम होता है, जिसे रोज खाने से वेट बढ़ता है, हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज की प्रॉब्लम आने लगती है। लेकिन जो महंगी चॉकलेट होती है उनमें कोकोआ की क्वांटिटी बाकी सारे एलिमेंट्स से ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप ज्यादा कोकोआ वाली चॉकलेट्स को भी भंडारे के प्रसाद की तरह बस खाए ही जा रहे हैं तो इसके भी अपने नुकसान है। ज्यादा डार्क चॉकलेट खाने से दस्त, स्ट्रेस, चिड़चिड़ाहट, घबराहट और डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, इसलिए देख समझ कर चॉकलेट खाइएगा। नंबर 3, नूडल्स। घर में 2 मिनट में बन जाने वाली मैगी भले ही आपका टाइम बचा लेती हो और मार्केट में मिलने वाले नूडल्स भले ही आपको टेस्ट के स्वर्ग में ले जाते हो, लेकिन इनको जिस तरह से बनाया जाता है वो काफी हेल्थ के लिए सचमुच घाटे का सौदा हो जाता है। यानी कि इसमें 13 घाटा उनका कुछ नहीं जाता। पहले तो नूडल्स को मैदे से बनाया जाता है और इसे अच्छा दिखाने के लिए वैक्स की लेयर और इसे सूखा रखने के लिए प्रोपिलीन ग्लाइकोल मिला दिया जाता है। इसे डीप फ्राई भी किया जाता है और ये सारी बातें मिलकर नूडल्स को जहर का कॉकटेल बना देती है। नूडल्स में ट्रांस फैट बहुत ज्यादा होता है जो बच्चों के हार्ट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, और खूब नूडल्स खाने से हार्ट, लीवर और किडनी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आप नूडल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा देर तक पानी से धोएं, उन्हें अच्छी तरह से उबालकर पानी पूरा ड्रेन कर लें ताकि उसमें मौजूद एक्स्ट्रा फैट पूरी तरह से बाहर निकल जाए। उन्हें पकाते समय अच्छे तेल का इस्तेमाल करें और इसमें खूब सारे वेजिटेबल्स मिलाकर खाएं, जिससे नूडल्स के रास्ते कुछ हेल्दी चीजें भी पेट में चली जाएं। नंबर 2, पोटैटो चिप्स। आज के टाइम का सबसे बड़ा स्कैम है पोटैटो चिप्स। एक तो ये अपने पैकेट में आलू कम हवा ज्यादा देते हैं, ऊपर से इन चिप्स को कुछ इस तरह बना देते हैं कि उसमें हमारी हेल्थ को फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है। आलू देखकर मोटापे को इमेजिन करने वाले लोग चिप्स देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन चिप्स में ऐसे
ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो आपको मोटापे का न्योता तो दे ही देते हैं, लेकिन साथ में डायबिटीज और कैंसर तक का रिस्क भी दे देते हैं। और हार्ट रिलेटेड बीमारियों का तो जैसे हर फास्ट फूड ने ठेका ही ले रखा है। आपको बता दें कि चिप्स में फैट और कैलोरीज की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इससे वजन बढ़ने और मोटापा की समस्या हो सकती है। एक 28 ग्राम आलू चिप्स के पैकेट में 15 से 20 चिप्स होते हैं और इतने से चिप्स में ही 10 ग्राम फैट और 154 ग्राम कैलोरीज होती है, जो अगर आप रोज खाते हैं तो आपको इंसान से एक मोटा गद्दा बनने में टाइम नहीं लगेगा दोस्त। नंबर 1, सीरियल्स। आज के मॉडर्न बच्चे जो ब्रेकफास्ट में खाते हैं उन्हें देखकर हमें अपने बचपन पर गुस्सा आने लगता है। रंग बिरंगे सीरियल्स को दूध में डालकर मम्मी अपने नाश्ते की ड्यूटी से फ्री हो जाती हैं और सोचती हैं कि उनका बेटा अब दिमाग से तेज बॉडी से पहलवान बन जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है किस तरह से आप अपने बच्चों को कूड़े के ढेर के अलावा कुछ नहीं खिला रहे? असल में इन सीरियल्स में होता है बहुत सारा केमिकल जो आपकी और आपके बच्चों की सेहत के लिए तो ठीक नहीं है, ये आगे चलकर बच्चे की ग्रोथ पर भी असर डालता है। रंग बिरंगे और अट्रैक्टिव दिखने वाले इनके पैकेट से आपको इन्हें खाने का मन तो करता है, लेकिन इनकी जगह कई इजी सॉल्यूशंस के साथ आप अपने और अपने बच्चों का ब्रेकफास्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो फूड आइटम्स जिन्हें अगर आप खा रहे हैं तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। इसके अलावा और भी ऐसे फूड्स हैं और इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है दोस्तों, लेकिन अपनी हेल्थ तो अपने हाथ में ही है, इसलिए खाने से पहले उसकी क्वालिटी और उसकी लिमिट का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि अति से ज्यादा बोलना और अति से ज्यादा चुप रहना दोनों ही अच्छा नहीं होता। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में ऐसे ही एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अलविदा।